नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति आज चाईबासा पहुंची। यहां परिसदन में समिति के सभापति विधायक रामदास सोरेन, सदस्य दशरथ गागराई, राजेश कच्छप और समरी लाल ने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। विधानसभा में राज्य की समस्याओं से जुड़े जो सवाल सदस्यों द्वारा उठाए जाते हैं, उनसे संबंधित पश्चिमी सिंहभूम के मामले पर समिति ने संबंधित विभागों से जानकारी ली। विभागों की ओर से रिपोर्ट सौंपा गया है, जिसका अध्ययन समिति करेगी। समिति के सभापति विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि शौचालय निर्माण, पेयजल व्यवस्था, वन अधिकार पट्टा, प्रवासी श्रमिकों का निबंधन और कोरोना के कारण किस विभाग में कितने लोगों की मौत हुई, यह सारी जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि थर्ड फेज में कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, इसके बारे में भी जानकारी ली गई है। यहाँ पर शौचालय की बात है, कितना बना कितना नहीं बना, पेयजल की बात है, कितने गांव में कितने घरों में पानी मिला नहीं मिला, ये सारे रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर हम लोग मंगवाए और 3 महीना का रिपोर्ट हम लोग मंगवाए हैं और उसको देखना संभव नहीं है। हम लोग अपना उस रिपोर्ट पर हम लोग बैठ कर हल्के से देखेंगे और इस क्षेत्र में जो वन विभाग से संबंधित है उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई है। इस विभाग में यहाँ जिला के कोरोना से कितने लोगों को कितना लोगों को मृत्यु हुई, प्रवासी मजदूर का यहाँ पर कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, आने वाला कोरोना जो थर्ड फेज का कोरोना के लिए यहाँ का जिला ने क्या तैयारी किया, यही सब आगे विचार करेंगे। एक साल पहले सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले 3 परिवारों की आज वापसी कराई गई। इस दौरान आदिवासी हो समाज महासभा और युवा महासभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गांव के देवरी ने परंपरागत तरीके से पूजा पाठ कराने के बाद सरना धर्म में वापसी कराई। करीब 1 साल पहले जगन्नाथपुर प्रखंड के जलडीहा गांव के बुरुजलडीहा टोला के शिवनाथ सिंह को पिरकली कुई और मुक्ता कुई परिवार के लोगों ने सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। आज तीनों परिवारों के कुल 12 सदस्य की सरना धर्म में वापसी कराई गई। पूजा पाठ के बाद देवरी यानी गांव के पुजारी ने सबका शुद्धिकरण किया और फिर विधिवत सबको सरना धर्म में वापस लाया गया है। सरना धर्म में वापस लौटने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। वो समाज से भटके हुए लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके थे, उनका घर वापसी यानी कि सरना धर्म में वापसी कार्य का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और हम वो समाज युवा महासभा और ग्राम जल्दिया की ओर से आप सभी धर्मांतरित सदस्यों को, परिवारों को हमारे हो समाज सरना समाज में पुनः वापसी का स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से शंभु मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा ज्योति मठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पादुका का पूजन किया गया। आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से पिछले 60 सालों से यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पादुका पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
आध्यात्मिक उत्थान मंडल के जिला प्रसार मंत्री महेश खत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ विधि विधान से शंकराचार्य की पादुका का पूजन किया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव आध्यात्मिक उत्थान मंडल के द्वारा चाईबासा शंभू मंदिर में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ विगत 60 वर्षों से आयोजित होता है। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष मठाधीश्वर एवं शास्त्रता पीठाधीश्वर स्वामी श्रोतानंद जी का आज के दिन हम लोग यहाँ पूजन करते हैं, उनका पादुका पूजन करते हैं और उत्सव करते हैं। मुफस्सिल थाना के बड़ा चीरू गांव के पास दो मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई। इस सड़क दुर्घटना में तातनगर ओपी के तेरेगो गांव निवासी 47 वर्षीय टिपरू बिरली और उसकी पत्नी पुनामी को गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस भेजकर दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि टिपरू अपने किसी रिश्तेदार से मिलने बड़ा चीरू गांव आया हुआ था। घर लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। सांसद गीता कोड़ा के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि लखन बिरवा एवं जितेंद्र नाथ ओझा और खुटपानी प्रखंड अध्यक्ष मोहन सिंह हेम्ब्रोम ने खुटपानी प्रखंड परिसर स्थित खाद्य आपूर्ति गोदाम में जाकर खाद्य आपूर्ति एवं वितरण संबंधी वस्तु स्थिति की जानकारी गोदाम प्रभारी अशोक निषाद से प्राप्त किया। सांसद प्रतिनिधियों ने बताया कि गोदाम की स्थिति काफी जर्जर है। छत से पानी चूने के कारण अनाज से भरी बोरियां बर्बाद हो रही है। जगह जगह फटे दीवार से चूहे घुसकर बोरिया काट रहे हैं। दीवार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने बताया कि 8000 क्विंटल अनाज आबंटन होता है, उससे आधी से भी कम अर्थात 2500 क्विंटल अनाज रखने की व्यवस्था गोदाम में है। चावल के साथ गेहूं का भी आबंटन पिछले 2 महीना से शुरुआत की गई है, उसे रखने की भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विधायक दीपक बिरवा की पहल पर सदर प्रखंड अंतर्गत डायरिया पीड़ित गांव नौरू गुटू में पहली बार प्रशासन द्वारा समस्या निवारण शिविर शनिवार को लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के लिए आवेदन दिया तो कई ग्रामीणों की समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ। जानकारी हो कि 3 दिन पहले गांव में डायरिया फैलने की खबर पाकर विधायक दीपक बिरवा नौरू गुटू गए थे, जहां ग्रामीणों ने विधायक को चापाकल खराब होने, राशन कार्ड, मिट्टी का घर धसने समेत अन्य समस्या बताई थी। इस पर विधायक दीपक बिरवा ने उसी दौरान संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए नौरू गुटू गांव की समस्याओं को दूर कराने का निर्देश दिया था। इसी के आलोक में नौरू गुटू में प्रशासन ने शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। आयोजन से ग्रामीण काफ़ी खुश दिखे। शिविर का आयोजन सदर बीडीओ पारुल सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने वृद्धा एवं विधवा पेंशन, KCC, राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना से संबंधित आवेदन जमा किया। आवास योजना के लिए 10 लाभुकों का भी चयन किया गया। वहीं स्वास्थ्य जांच के साथ निशक्तों के बीच स्टिक और हेयरिंग मशीन का भी वितरण किया गया। इसके अलावा गांव के 4 खराब चापाकलों को भी ठीक कराया गया। मंझारी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक प्रखंड अध्यक्ष वंशीधर प्रधान की अध्यक्षता में हुई। जिला अध्यक्ष प्रखंड प्रभारी अनुप कुमार सुल्तानिया, भूषण पाट पिंगवा, जगदीश पाट पिंगवा, आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयपाल कुंकल सहित अन्य नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
बैठक को संबोधित करते हुए अनूप सुल्तानिया ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में सिंहभूम के गरीब आदिवासियों को धोखा दिया है। हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। मंझारी प्रखंड में ठेकेदारी के नाम पर लूट मची हुई है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर सभी लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।